बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो के हो, राधा यूं रो ब्रजांगनाएं रोती हैं। भगवान ब्रजांगनाओं को छोड़कर चले जाते हैं, भगवान मथुरा पहुंचते, कुछ ब्रजवासी पीछे पीछे हो लिए। नंद बाबा ने कहा पहली बार जा रहे अकेले नहीं जाने देंगे, तो नंद बाबा ब्रजवासी पीछे पीछे हो लिए। मथुरा पहुंचे तो सायं काल होने के पूर्व दाऊ भैया ने बाबा को कहा कि बाबा कन्हैया मथुरा घूमना चाहता है, आप रामचरितमानस पढ़ोगे? रामचरितमानस में जब जनकपुर पहुंचे राम जी अपने गुरुदेव विश्वामित्र की जी के साथ में, तो गुरु जी से राम जी ने कहा था लखन लाल जी नगर को देखना चाहते, उसी का बदला द्वापर युग में लक्ष्मण जी ने पूरा किया, क्योंकि लक्ष्मण जी बने द्वापर में बड़े दाऊ भैया और राम जी बने छोटे भैया। तो इस बार दाऊ भैया ने कहा बाबा को कि बाबा ठाकुर जी मथुरा भ्रमण करना चाहते हैं। तो नंद बाबा ने कहा भाई देखो ये अपना वृंदावन नहीं है, ये मथुरा है, यहां के राजा हैं, नियम है, कानून है, जाना तो बड़ी सावधानी रखना। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो बाबा, सब जय जय है जाएगी। जैसे ही भगवान मथुरा की गलियों में निकले तो पहले ही ठाकुर जी का शोर था कि वृंदावन में एक कोई नंद का छोरा है जो दिखने में बड़ा सुंदर है, बड़ा दिव्य है, सभी मथुरानिया को जो वृंदावन की मक्खन दधी बेचने वाली गोपियां आती थी वो बताती रहती थी हमारे कन्हैया ऐसे हैं, हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं, ऐसे चलते, ऐसे बोलते, ऐसे दिखते। मथुरा की रानियों को भी देखने का भाव था, तो धाय धाम काम सब त्यागी, मनह रंग के निधि लूटन लागी। जब भगवान मथुरा में चले तो सभी मथुरा की रानियां अपना अपना काम त्याग करके भगवान के दर्शन करने के लिए अटारी पर आ गईं, कुछ झरोकों में से झांकने लगीं, कुछ भवन के बाहर आ गईं, कुछ द्वार पर खड़ी हो गईं, भगवान को निहारने लगीं। तो जितने ब्रजवासी साथ गए थे सब ब्रजवासी कहने लगे अरे कन्हैया ये बता तेरी पुरानी जान पहचान है क्या? भगवान बोले क्यों? बोले जिसे देखो तुझे ही देखे जा रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या? भगवान बोले अरे भैया मैं बताना भूल गया, दरअसल यहाँ के जो मामा जी है ना राजा कंस, वो हमारे सगे मामा लगे, यहाँ के जो राजा हैं कंस वो हमें हमारे सगे मामा जी लगे है। ले भैया अब तक ना आए तेने बताओ। भगवान बोले क्या गड़बड़ है गई? ब्रजबाजी बोले अरे वाह पहले बता दे तो ठीक ठाक कपड़े ना पहन के आते, ये फटे बटे पहन के आ गए।
ये बताओ तो कि मामा जी के यहाँ जाने हो तो नेक बंठन करके आते, कम से कम लगते तो कि भांजे के मित्र भी रहीस खानदान के। ये देख सब फटे बटे पहन के आ गए। अब देख भाई तेरे मामा को गांव है, तू ही व्यवस्था कर अब कपड़ों की, नहीं तो काम नहीं चलने वाला। भगवान बोले ठीक है हम करते हैं व्यवस्था। सामने में राजा कंस का एक धोबी आ रहा था, भगवान के कपड़ों को, राजा कंस के कपड़ों को धुल करके पोटली बनाकर भगवान ने दूर ही से देखा, मामा जी राम राम। सोई धोबी मामा अपनी मूछन पर ताव देता हुआ आया। कई बार अधिकारी को कम घमंड होता है, पहरेदार को उससे चार गुना ज्यादा होता है। हाँ, नेताजी कम घमंड में रहेंगे, पर नेताजी के बगल में एक ठो राइफल लेने वाले की तुम बट देखो, वो यू समझने लगता है कि पूरी सरकार यही है। हाँ, जितने भी नेताजी के हम तो बड़ा नजदीक से अनुभव करते हैं, नेताजी तो कम, नेताजी के साथ में जो बंदूकों वाले रहते ना, लगने लगता कि यही सरकार घूम रही भारत की। बोलो सीताराम। उसी प्रकार राजा कंस को तो घमंड था ही, राजा कंस के धोबी को और उससे ज्यादा, वाह हम राजा के कपड़े धोने वाले हैं। हाँ ऐसे वैसे धोड़ी है। तो भगवान ने कहा मामा जी राम राम, भैया मैंने पहचानो ना है तुम मोरो कहां से भांजो लागे। अरे मामा जी मोहना है पहचानो, जहां के जो राजा कंस है वो हमारे सगे मामा जी लगे, तो सब मामा जी लगे। बात तो सही है, कहां को आए भैया? अरे मैं वृंदावन। अच्छा कन्हैया नंद को छोरा? हाँ मामा जी पहचान गए, नाम तो सुनो रखो मैंने। बता भैया काय को रूक रहा है, मुझे जान दे। अरे मामा जी नेक हमारे मित्र आए हैं, ये सब अपने कपड़े नहीं ला पाए, जरा नेक दो चार जोड़ी कपड़े तो निकाल दो साजे साजे। तो मामा जी ने ऐसी सुनाई, गांव के गवार तुम का जानो राजाओं के कपड़े पहन के। गोपगाल धीरे से अंगूठा दिखा के बोले ले मामा जी ने दे दे बड़े बड़े कपड़े, ले पहन ले। ठाकुर जी बोले नाक कटवा रहे, पहली बार में बोनी खराब हो रही, पहली बार में श्री गणेश गड़बड़ हो रहा। सोई भगवान ने दो उंगरियां बनाई ठाकुर जी ने, और मामा जी के जोर की चिपकाई, सो मामा जी घुमत 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 धरती में हो गए गोविंदाय नमो नमः। मामा जी तप गए, जहां मामा जी गिरे सोई ठाकुर जी बोले अच्छा ब्रजवासियों अपने अपने नाप के अपने अपने मन के उठाओ। सब ने अपने अपने नाप के मन के कपड़े निकाले। अब कपड़े कौन फिटिंग के थे, राजा कंस का पजामा, राजा कंस का कुर्ता। एक ब्रजवासी ने कुर्ता पहना पूरा ढक गया, पजामा की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ एक ब्रजवासी ने पजामा पहना तो यहां से छाती से बांध लिया, छाती से हाथ तक हृदय तक उसने कस लिया, फिर भी चार हाथ नीचे लटकता रहा पूंछ सी। ब्रजवासी बड़े हैरान, पर जैसे तैसे करके पहने। अब चले और चले तो दूर, थोड़ी दूर जाकर बोले कन्हैया नेक पीछे देखो। भगवान बोले क्या हुआ? बोले देखो हम लोगों को तुम्हारे मित्र कम झाड़ूदार ज्यादा लग रहे हैं। भगवान बोले मतलब? अरे तो बोले देखो ऐसे कपड़े पहनाए कि हम लोग पकड़े भी हैं, ऊपर से पहने भी, फिर भी वो धरती में रगुड़ रहे हैं, तो झाड़ूदार लग रहे। पीछे देखो सफाई हो गई पूरे मोहल्ला की। भगवान बोले चिंता मत करो, कोई उपाय करते हैं। दर्जी मामा जी मिल गए। अरे मामा जी राम राम। भैया राम राम। दर्जी मामा ने तो पूरा हाल आखन से देखो तो कि इनने का करो तनक दे पहले। मामा जी ये हमारे मित्र हैं, जरा इनके कपड़े तो फिटफाट कर दो। जी महाराज लाओ तुरंत जो है बढ़िया कपड़े को ठीक ठाक कर करके सिल करके बढ़िया फिटफाट करके पहना दिए। ठाकुर जी बोले मामा जी का दक्षिणा देवे? अरे महाराज कुछ लोग ऐसे मौका वक्त परख लोग होते हैं, वो देख लेते हैं कि इस पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है दूसरे की, तो जिस पार्टी का झंडा लगाए रहते हैं वो फेंक देते हैं, दूसरा वाला ठोक लेते हैं। हाँ और कोई पूछे तो वो तुरंत कह देते हैं हम तो यही के सपोर्टर रहे, हमारे दादा परदादा इसी में वोट देते रहे, हम भी यही में दे रहे। बोलो सीताराम। उसी प्रकार दर्जी मामा ने सोचा
ठाकुर जी ने तो कहा कि क्या दें दक्षिणा। दर्जी मामा मन ही मन बोले कि अबे धोबी मामा को क्या दी, वो हमने देख ली, कहीं उसी के लेवल की दे दी तो हमारे तो बाल बच्चे भूखन मर जाएंगे। महाराज आपकी कृपा बनी रहे, कुछ नहीं चाहिए, साहब आशीर्वाद है आपका, भरत हंसते हैं, बात हो गया। तो भगवान बोले जाओ मामा जी फूलो फलो, और दर्जी मामा पे ऐसो आशीर्वाद भगवान को सूट भाओ कि आज भी दर्जी मामा फूल रहे फल रहे, दो रुपया की धागा की गट्टक में 500 की शर्ट सिल रहे। हाँ। और कहीं दूल्हे राजा को कोट फंस जाए तो बिना 5000 के पहले रसीद नहीं कट रही है। बोलो सीताराम। हाँ जी या ना जी, ये हमारे ठाकुरी जी को तो आशीर्वाद काम कर रहे हो कि फूलो और बढ़िया फूल भी रहे, फल तो ऐसे रहे कि जय जय सीताराम। हाँ।